हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे द टेरर लाइफ। ये एक साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ 1 घंटे 38 मिनट की है और ये आपको कोरियन लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाती है। अब मैं इसका रिव्यू इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कल कार्तिक आर्यन की एक अपकमिंग मूवी का टीजर आया जिसका नाम है धमाका, और आप लोग कह सकते हो कि ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली रीमेक है द टेरर लाइफ की। तो देखिए, इस मूवी की कहानी शुरू होती है यून यंग हुआ से, जो कि एक टॉप न्यूज़ एंकर थे, बट इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस वजह से इनका डिमोशन हो जाता है और अब ये एक रेडियो प्रोग्राम के होस्ट है और रिसेंटली यून यंग हुआ का डिवोर्स भी हुआ है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इसी रेडियो प्रोग्राम के दौरान मिस्टर यून को एक स्ट्रेंजर का कॉल आता है। वो बोलता है कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं एक ब्रिज को उड़ाने वाला हूँ। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर आप बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि ज़बरदस्त है यार। 99% ये मूवी पूरी न्यूज़ रूम के अंदर ही बना दी गई है, लेकिन जो एक थ्रिल है, जो इमोशंस है, जो एक अजीब वाली फीलिंग है ना, आप लोग महसूस कर पाते हो इस पूरी मूवी के दौरान। जो जो चीज़ें बताई है वो रियलिटी के काफ़ी करीब है। कैसे जो पावरफुल लोग होते, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हो या जो बड़े अधिकारी है, वो लोग किस तरीके से अपने पावर का यूज़ और मिसयूज़ करते हो, कैसे जो कॉमन जो आम इंसान होता है उनकी ज़िंदगी इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। उसके लिए मूवी में कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन जितने भी है उनको काफ़ी रियल रखा है। यानी कि जो जो चीज़ें बताई है ना वो रियल में होती है, और इसी वजह से ये मूवी आपको देखने में और भी मज़ा आता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। पूरी मूवी आपको एक स्टूडियो में ही देखने को मिलती है, लेकिन उन लोगों ने इस तरह इस पूरी मूवी को शूट किया ना कि एक सेकंड के लिए भी आप इस मूवी से बोर फील नहीं हो गए। उसके अलावा यहाँ पर VFX देखने को मिले जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी नीटली किया है। अब वो VFX में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी वो तो आप लोग मूवी में समझ जाओगे। मूवी का BGM बहुत अच्छा है, स्पेशली जब कुछ चीज़ें होने वाली होती ना, वो एक थ्रिल वाली, तो उसमें जो BGM है ना वो एकदम हाई क्लास का, और कोरियन मूवीज़ के BGM मैक्सिमम आपको अच्छे ही सुनने को मिलते हैं, और ये मूवी भी एक परफेक्ट एग्जांपल है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई जो लीड एक्टर है उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से जो उनके रोल में, जो उनके कैरेक्टर में बदलाव आ रहा था ना, और उस कैरेक्टर के हिसाब से जो वो परफॉर्मेंस कर रहे थे यार, टोटली भाई आप उनके फ़ैन बन जाओगे। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से पुल किया है। इस मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करो तो यार मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं लगा, लेकिन हाँ इसकी एक ही चीज़ पॉजिटिव है कि अगर आपको कुछ अलग हट के मूवी देखना है, जो मूवी एक मैसेज भी दे और साथ साथ वो जो थ्रिल है वो भी फील हो और एंड में आपको इमोशन भी फील हो, तो भाई ये मूवी डेफिनेटली आप लोगों के लिए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो इस मूवी में कुछ भी ऐसा एडल्ट सीन नहीं है जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, यानी ये पूरी मूवी आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। मैं इसको रेटिंग दूंगा 9 out of 10। डेफिनेटली ये मस्ट वॉच मूवी है, और ये मूवी आपको कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पर देखने को मिल जाएगी और ये टोरेंट पे तो आपको इजीली मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय।